नमस्कार दोस्तों, पकवान गली में आपका स्वागत है। मैं हूं ददन विश्वकर्मा। गर्मी आ चुकी है और इस गर्मी में हर कोई ये चाहता है कि उसे ऐसी चीज खाने को मिले जिससे इस गर्मी से उसे राहत मिल सके। कुल्फी एक ऐसा ही नाम है जिसे हर कोई बनाना चाहता है, हर कोई खाना चाहता है। मैं लेकर आया हूँ घर पर ही परफेक्ट कुल्फी बनाने का आसान तरीका। आइए देख लेते हैं इसके लिए क्या सामग्री चाहिए होंगी। हम गैस ऑन कर देते हैं और इसमें 1 लीटर जो दूध है मैं डाल दूँगा। दूध को तब तक पकाने के लिए रख देते हैं जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। दूध को तकरीबन हमने आधा होने तक बिल्कुल बॉईल करना है, पकाना है इसे ताकि अच्छी तरह ये उबल जाए। दूध अच्छी तरह बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें जो बादाम और पिस्ता बारीक काट रखे हैं वो डाल दिए हैं। अब मैं इसमें दूध पाउडर है ऐड कर देता हूँ। दूध पाउडर डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर दें। कॉर्न फ्लोर मिश्रण को हमें डाल देता हूँ और सबसे लास्ट में हम इसमें केसर दूध भिगोए हुए हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं कुल्फी का जो मिश्रण बिल्कुल तैयार होना चाहिए, बिल्कुल हो चुका है। कुल्फी मोल्ड में हमने पूरा डाल दिया है मिश्रण को और इनमें अब ये सांचे लगाकर कवर कर रहे हैं। कुल्फी का मिश्रण है इसे मैंने मोल्ड में डाल दिया है, कुल्फी के सांचे में डाल दिया है और इसे मैं 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि आखिर इसका जायका कैसा है। तो बिल्कुल 5-6 घंटे हो गए हैं, कुल्फी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जम चुकी है। आप देख रहे हैं कुल्फी रेडी है। स्वाद कैसा होगा ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। बहुत उम्दा स्वाद है। आप घर में बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके घर वाली कुल्फी और बाहर मार्केट में मिलने वाली कुल्फी में क्या फ़र्क होता है। ये वीडियो ज़रूर देखें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।